अस्सलाम वालेकुम। जहे नसीब, आज कैसे याद कर लिया आपने बिछड़े हुओं को? वालेकुम अस्सलाम। वैसे तुम कब बिछड़ी हो मुझसे? जब से कॉलेज छूटा है तब से बिछड़ी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, बस जिंदगी के झंझटों में फंसी हुई हूँ। हाँ, तो अफान भाई को झंझट कह रही हो? और क्या कहूँ, क्योंकि टाइम तो है नहीं आपके अफान भाई के पास, वो भी मेरे लिए। वाह भाई, ये तो काया ही पलट गया। कभी उनको ये शिकायत हुआ करती थी आपसे? बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन वो शुरू शुरू के दावे थे बस। ये तुम्हें कब पता चला कि वो सब दावे थे? अब मैं रिश्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और इस रिश्ते को बचाना चाह रही हूँ, मजबूत करना चाह रही हूँ पहले से कहीं ज्यादा, तो अब वो जनाब इग्नोर कर रहे हैं। तो हाथ पकड़ के मना लो उन्हें, हो सकता है वो यही चाहते हूँ। तुमने भी तो एक अरसा उनकी मोहब्बत को नजरअंदाज किया था ना। मैं हाथ पकड़ के मना लूं? तो क्या फर्क पड़ता है, शौहर है वो तुम्हारे। सोचूंगी। इतना मत सोचती रहना कि वक्त ही निकल जाए। वो भी क्या मंजर होगा जब एक बीवी अपने शौहर से इजहार मोहब्बत करेगी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। Yes? तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। हाँ, मुझे मम्मी से कुछ काम था, वो एक्चुअली अपनी किसी मीटिंग में बिजी हैं, तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। कोई खास काम था? हाँ, वो घर जाना था मुझे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों, तुम्हारा ड्राइवर किधर है? वो छुट्टी पर गया है। तुम्हारा ड्राइवर कुछ ज्यादा ही छुट्टियां नहीं करने लगा? तो अच्छी बात है ना, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। आयमा प्लीज सोच समझ के बात किया करो, ये मत भूलो कि तुम मेरे भाई की बेवा हो। तुम्हारा भाई तो इस दुनिया में नहीं रहा ना अफान, तो क्या सारी जिंदगी उसके नाम का टैग लेकर मैं घूमती रहूंगी? बैठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो खाला, हम काम कर रहे थे। काम तुमने खाक करना है, अपना वक्त भी जाया करती हो और हमारा भी। जाओ यहाँ से। मम्मी आप घर जाएंगी? हाँ, मीटिंग तो खत्म हो गई है, मैं सोच रही हूँ घर जाकर आराम कर। आजकल ज्यादा से ज्यादा वक्त उमर के साथ गुजारने को जी जाता है। ये तो अच्छी बात है, वैसे तो मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन आयमा ने भी घर ही जाना है, तो आप इसको साथ ही ले जाएं। इसका ड्राइवर आज भी छुट्टी पर है। खामखा यहाँ आकर सबको परेशान करती हो, ये जगह तुम्हारे काम की नहीं है। पहले कुछ तजुर्बा हासिल करो, कहीं जॉब करो, फिर आना ऑफिस। वैसे मम्मी मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई अच्छा सा रिश्ता देख के इसकी शादी कर दें, अभी इसकी उम्र ही क्या है। आइडिया अच्छा है, घर जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ। इसे दूर रहा करो, इसे शहरयार की जिंदगी में शामिल करके मैं गलती कर चुकी हूँ, तुम ऐसी कोई गलती मत करना। तौबा करें मम्मी, मैं इसके जाल में पहले नहीं फंसा, तो अब क्या फंसूंगा? और वैसे भी मैं एनी के साथ बहुत खुश हूँ। मैं जा रही हूँ।